और पहले चरण की 13 सीटों पर 189 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 14 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा 28 प्रत्याशी भवनाथपुर सीट पर हैं, जबकि चतरा में सबसे कम सिर्फ 9 प्रत्याशी ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो 189 उम्मीदवार और चतरा में सबसे कम प्रत्याशी हैं, 9 प्रत्याशी हैं, और सबसे ज्यादा प्रत्याशी भवनाथपुर सीट से हैं। यहाँ पर 28 प्रत्याशी चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं। और पहले चरण की बात करें तो कुल 14 महिला प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमा रही हैं। तो प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो महिला उम्मीदवारों की संख्या 14 है, और अगर सबसे ज्यादा प्रत्याशी बात करें तो भवनाथपुर सीट पर 28 प्रत्याशी हैं सबसे ज्यादा, और सबसे कम चतरा सीट से 9 उम्मीदवार आमने सामने हैं। और चलते हैं सहयोगी शाहनवाज के पास। शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लोहरदगा से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहनवाज, जाहिर है अब आज एक दिन सिर्फ डोर टू डोर ही कैंपेन हो पाएगा, कल वोटिंग है सुबह 7 से 3, और जिस तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर अभी सबसे ज्यादा जो चैलेंज है चुनाव आयोग के लिए, मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना, पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना, तो हेली ड्रॉपिंग भी की जा रही है, और पहले फेज के लिए 35,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती भी की गई है। पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन संपन्न कराए जा सके। हाँ बेशक, खास करके अगर इस पूरे बेल्ट की बात करें जो इसमें 13 सीटें पड़ती हैं, चतरा से लेके गढ़वा से लेके लोहरदगा तक, ये पूरा का पूरा जो एक बेल्ट है उसमें पैचेज हैं, बहुत सारे ऐसे पैचेज हैं जहाँ पर नक्सल्स मूवमेंट करते हैं, पहाड़ है, जंगल है। और अगर लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में भी पेसरार और किस्कू दो ब्लॉक नक्सल अफेक्टेड माने जाते हैं, और उसका उसका एक सबूत भी पिछले दिनों देखने को मिला था। किस्कू प्रखंड के थाना बिल्कुल आसपास जो है दो डंपर फूंक दिए गए थे नक्सलियों द्वारा, कहीं ना कहीं पोस्टर्स लगाए ही जाते हैं। हालांकि कोई बड़ी घटना इस तरह से नहीं हुई है लोहरदगा में जिसको लेके कोई विशेष चिंता की बात हो, लेकिन कल ही पेसरार के जंगल में बैनर लगा था भाकपा माओवादी का, जिसको मैंने भी जाके देखा था और उसका मुआयना किया था। बिल्कुल घना जंगल है और उसके अंदर एक प्रधानमंत्री सड़क का मुहाना है, वहीं पर बहुत लगता है कि आनन फानन में या बहुत जल्दबाजी में भाकपा माओवादियों ने बैनर लगाया था, उल्टा लगा दिया था बैनर। बहरहाल उसमें यही था, उसका तात्पर्य यही था कि जनवादी व्यवस्था लाने के लिए इस मौजूदा चुनाव का बहिष्कार करें। दो बार एक ही बैनर में दो बार यही बात रिपीट की गई थी। तो बहरहाल ये बैनर पोस्टर लगना और लोगों में दहशत इतनी थी, 5 किलोमीटर दूर एक पेसरार ब्लॉक परिसर में मैं गया, वहाँ बाजार है, इतना सन्नाटा था आरती कि जिसका बयान मैं नहीं कर सकता। मैंने बिल्कुल शाहनवाज, आपने वहां का दौरा किया था और ये रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, आपने वहां के लोगों से बात की, लोगों का ये कहना था कि खौफ तो है लेकिन इलेक्शन कमीशन ने काफी तैयारियां की है, लोगों से अपील भी की है और जो स्वीप कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि वो वोट करें, और वोट करने के साथ ही जब तक वोट नहीं करेंगे तब तक तस्वीर बदलना शायद मुश्किल है, तो इसलिए अपनी तकदीर बदलने के लिए वोट भी करना बहुत जरूरी है। जी, यही तो इस लोकतंत्र के महापर्व का अट्रैक्शन है कि वहां पर मुझे 10 लोगों ने ये कहा कि जंगल की सरकार का फरमान है, लिहाजा हम डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं करेंगे, कहा कि लेकिन डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चाहे जो भी है लेकिन वोट तो हम जरूर करेंगे। हाँ, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस कम है, लोग चुनाव का कैंपेन नहीं कर रहे हैं, नेता वहां प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन पार्टियों के झंडे वहां मौजूद हैं। तो ये खास बात है कि लोगों ने कहा कि नहीं, लोकतंत्र का महापर्व है, हम वोट तो करेंगे। अब अगर इस तरह से माहौल बदल रहा है, जंगल की सरकार सिमट रही है, सुकुड़ रही है, हालांकि एक बैनर लगा सकते हैं वो, इसमें बैनर लगाने में
कोई बहुत ज्यादा ये नहीं लगता है, कोई भी आके चुपचाप से कुछ भी कर सकता है। लेकिन लातेहार में पिछले दिनों जो घटना घटी, पीसीआर वैन के 4 जवानों को शहीद कर दिया, ये इस तरह की जो चिंता की बात कभी कभी हो जाती है। लेकिन मैंने देखा, मैं हमारी टीम सबसे पहले पहुंचने वाले में थी, बैनर जहां पे लगा था पेसरार के जंगल में, तो मैंने देखा कि वहां पर जवान मौजूद हैं, बाकायदा लोग पेट्रोलिंग करते हुए जंगल में कहीं कहीं कोने में हर जगह जवानों की उपस्थिति मैंने देखी, और उनको ऐसा हताश निराश भी मैंने नहीं देखा। वो कह रहे थे कि ठीक है उनकी उपस्थिति है, लेकिन हमारी मजबूत उपस्थिति है और इसी से लोकतंत्र का महापर्व सफल होता है। चलिए, ये तो सुरक्षा की बात की शाहनवाज, अगर हम वहां पे कैंडिडेट्स की बात कर ले, आमने सामने की टक्कर की बात कर ले, तो साफ साफ त्रिकोणीय मुकाबला है। और दिलचस्प बात ये है, दो चीजें हैं, एक तो ये कि एक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने, तीसरी चीज ये कि बीजेपी और आजसू कभी साथ रही थी लेकिन आज दोनों एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं। यानी नीरू शांति भगत की बात कर ले, रामेश्वर उरांव और सुखदेव भगत, तीनों का जो ये मुकाबला, ये काफी रोचक मुकाबला है इस बार। देखिए, वैसे तो लोहरदगा में 11 कैंडिडेट मैदान में है जी, लेकिन मुख्य जो मुकाबला है वो तीन पार्टियों में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, यहाँ से रामेश्वर उरांव खुद जो आज विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, कभी सांसद का भी चुनाव जीत चुके हैं, और बार बार अगर आप पोलिंग हिस्ट्री देखें तो 700-800 वोट से हार जीत का अंतर रहता है, बहुत बहुत नेक टू नेक यहाँ पर फाइट होती है। सुखदेव भगत एक बार खुद ही 500 वोटों से हार चुके थे, फिर दोबारा जीते, तो और इस बार भी लोकसभा चुनाव में आप देखें कि बहुत ज्यादा जीत और हार का अंतर नहीं था। लिहाजा कांग्रेस का अगर कोई अभेद किला पूरे झारखंड में कहीं पर है और इसमें बहुत जान अभी बाकी है, तो वो है लोहरदगा। और यहाँ खास ये है कि धीरज साहू यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं धीरज साहू, और उनका परिवार ट्रेडिशनली, उनके भी परिवार से कई लोग सांसद रह चुके हैं और उनका इन्फ्लुएंस काफी है, काफी इन्फ्लुएंस उनका होने की वजह से धीरज साहू एक तरह से यहाँ का चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरा भले ही रामेश्वर उरांव का हो, लेकिन धीरज साहू चुनाव प्रचार में देर रात तक निकलना, लोगों से मिलना, उनकी दुख सुख का ख्याल रखना, एक यानी कि कैंपेन में जिस तरह से उनकी सहभागिता देखी जा रही है, ये कंफर्म कर रहा है कि वो काफी जोर शोर से लगे हुए हैं। शाहनवाज, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन चलते हैं अब चतरा, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी शाहनवाज इदरीसी, उनसे जान लेते हैं। शाहनवाज, सबसे बड़ा चैलेंज, मैंने यही सवाल शाहनवाज अख्तर से भी किया था कि अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पोलिंग पार्टीज को ऐसे बूथ स्टेशंस पे सेफली पहुंचाया जा सके, जो काफी नक्सल प्रभावित एरिया है वहां पर पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसके साथ ही साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हो, लोगों से ये चुनाव आयोग ये सेटिस्फाई कर सके लोगों से कि आप पोलिंग बूथ तक पहुंचे, वोट करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है फिलहाल। बिल्कुल आरती, इस बात में कोई शक नहीं है कि नक्सल समस्या की से इतर पाते हुए, उस पर काबू पाते हुए, इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना न सिर्फ चुनाव आयोग के लिए बल्कि जिला प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। यही वजह है कि कल से ही हम लोगों ने देखा कि पोलिंग पार्टियों को निर्धारित क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं चतरा के सत्यानंद भोक्ता के आवास के परिसर के पास, जहाँ देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं आरती, समझने की कोशिश करते हैं कल ये जब वोट करने के लिए जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या एजेंडे रहेंगे और किस मुद्दे पर ये लोग वोट करेंगे। आप ये बताइए, कल आप वोट करने जाएंगे, क्या विकास एक अहम मुद्दा रहेगा वोट करने का? सर, विकास ही मुद्दा रहेगा। हमारा चतरा क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र रहा है, नक्सल क्षेत्र रहा है, और चतरा क्षेत्र से जो भी विधायक या MP जीतते गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधानसभा, आज तक हमारा नहीं लगता है कि चतरा तक अभी कोई विकास हो पाया है। इस चलते विकास ही हमारे यहाँ सबसे अहम मुद्दा होगा। चतरा शहरी क्षेत्र में हम देखते हैं कि 2-2 किलोमीटर तक जाम लगा रहता है। अभी हमारे यहाँ MP से लेके MLA से लेके राष्ट्रपति तक हैं,
बने हुए वाची चतरा था बीता। कल से हम शहर में घूम रहे हैं, देख रहे शहर के में जो बहुत कंजेस्टन है, मतलब जो बाईपास की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो फ्लाईओवर की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। क्या पिछले जो प्रतिनिधि पब्लिक अगर अपना अपना ओपिनियन रखेगी तो शायद ये थोड़ा सा हम बात करेंगे उनसे, लेकिन अगर हम पर्सनली तैयारियों की बात कर ले पर्टिकुलर की किस तरह की तैयारियां चल रही है, और इसके अलावा अगर वहां का मुकाबला देखें, लोहरदगा की लड़ाई तो काफी दिलचस्प है, लेकिन अगर हम चतरा की बात करें तो चतरा में क्या इक्वेशन नजर आ रहा है? बिल्कुल आरती, यहाँ पर कांटे की टक्कर है। जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं सत्यानंद भोक्ता और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जनार्दन पासवान, इन्हीं दोनों के बीच में ये फाइट होनी है। और अभी का जो अपडेट है ये बता दे आरती कि सत्यानंद भोक्ता की तबीयत खराब हो गई है, तबीयत उनकी नासाज हो गई है, लिहाजा उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। फिलहाल वो अभी क्षेत्र में नहीं है, हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों की निगरानी में है। यहाँ तक कल जिस तरह से चुनावी सभा हुई अमित शाह की, उसके बाद जो एक फिजा बनाने की कोशिश हुई बीजेपी की तरफ से, अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो चुनावी सभा हुई जिसमें हजारों की संख्या में पार्टी समर्थक जुटे, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाते हैं कि नहीं, क्या उसको बीजेपी कुछ लाभ हो पाता है कि नहीं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उस पर अभी तक बातचीत नहीं हो पा रही है। लोग जो स्थानीय हैं वो कहते हैं कि स्थानीय मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन यह राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल जब ये लोग वोट करने के लिए निकलेंगे तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और क्या एजेंडे होंगे, क्या विषय होंगे। जी बिल्कुल शाहनवाज, एजेंडा क्या होगा शाहनवाज, ये सवाल तो वहां पर भी बनता है। अगर हम लोग दगा की बात कर ले तो पहले जो एजेंडा था राष्ट्रवाद का एजेंडा था, लेकिन अब जो है जिस तरह से परिणाम आए महाराष्ट्र में और हरियाणा में, शाहनवाज अख्तर आपसे अगर मैं ये सवाल लूं कि अब जो है रणनीति बदली होगी, स्ट्रैटेजी बदली होगी सभी पार्टियों की, हालांकि ये परिणाम काफी कुछ बीजेपी के लिए एक संकेत था, लेकिन अब बीजेपी के साथ साथ तमाम दलों की रणनीति तो जरूर बदली होगी इन स्टेट्स के जो रिजल्ट्स आए। हाँ बेशक, जैसे ही महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ जी, और जैसे हरियाणा में हुआ था उसका भी उसको लेकर ही विपक्ष के जो पस्त हौसले बुलंद हो गए थे, और कम से कम बुलंद भले ना हुए हो लेकिन जोश तो भरा होगा, एक ऊर्जा का संचार जरूर जी, हो गया जी, जी। और जोश भर गया है, विपक्ष को लगा कि अब अगर हम अपने आप को संगठित करें, अपने आप को फिर से जनता के बीच में ले जाएं, उनके हितों की बात करें तो हताशा जो है वो अच्छे परिणाम दे सकती है। मैं लोहरदगा की बात कर रहा था, अधूरी रह गई थी बात। यहाँ पे बहुत जबरदस्त ट्रायंगल डेवलप हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आसू का जो संबंध विच्छेद हुआ है इसको महाराष्ट्र की तर्ज पर ही देख सकते हैं, हालांकि वहां बाद में हुआ, यहाँ पहले हो गया है। और पहले होने का नतीजा ये निकला है कि आसू ने दमखम के साथ चुनाव लड़ने की अपनी रणनीति बना ली, और तमाम तकरीबन तमाम जगहों पर अगर बात करें तो आसू ने अपने कैंडिडेट दे दिए हैं, और जहां जहां पर उसकी स्थिति अच्छी थी वहां पर उनके कैंडिडेट फाइट भी दे रहे हैं। जैसे लोहरदगा की बात करें तो नीरू शांति भगत यहां पर ट्रायंगुलर फाइट में बनी हुई है। कभी कभी तो लोग ये कहते हैं कि दो नंबर पे है वो, कांग्रेस एक नंबर पे है, बीजेपी एक नंबर पे है, तो ये नंबर जो है ना थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। लेकिन अब स्थिति यह है कि कल जैसे ही अमित शाह ने कह दिया कि ये इतनी सी भीड़ से काम नहीं चलेगा, 25-25 लोगों को कॉल करें, ये बात भी लोगों के चर्चा में है कि बीजेपी को लग रहा है कि थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने एक और बयान दिया है, उन्होंने एक और बयान दे दिया है कि आसू हमारे साथ सरकार में रहेगी बाद में। अब पता नहीं उन्होंने ऐसे मौके पर ये क्यों कहा है या जानबूझ के कहा है, इसकी भी चर्चा हो रही है। तो इन सब का इफेक्ट जो है यहाँ के ट्रायंगुलर सिस्टम जो डेवलप कर गया है ये इस पर भी पड़ सकता है। लोग भले ही उन्होंने ये बात कही हो अमित शाह ने, लेकिन न्यूज 11 भारत से जब एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ तो इसमें उन्होंने साफ तौर पर सुदेश महतो ने कहा कि उन्हें सम्मान उचित सम्मान नहीं मिल रहा था इसलिए दूरी बढ़ाई, लेकिन तो ये कहना गलत है, एक तरफ से दूरी बढ़ाई जा रही है दूसरी तरफ से सांत्वना भी दिया जा रहा है। देखिए राजनीति में बहुत शातिराना चालें चली जाती हैं, बहुत कुछ ऐसा ऐसे वैसे नहीं कहा जाता है, उसके कहने के पीछे का कथानक उसके बहुत दूर उसके गामी परिणाम भी कभी कभी होते हैं। लेकिन अब इस बात को जनता भी बहुत हद तक जान गई है, बहुत हद तक लोग बहुत चरित्र को पहचान गए हैं, कौन क्या कहता है, किसका क्या आगे परिणाम होगा, कौन कहाँ जाएगा जी, कौन कैसे सरकार बना लेगा, ये तो आपको महाराष्ट्र में
आपने देख ही लिया कि कुछ भी ऑड्स नहीं है आज की राजनीति में, असंभव कुछ भी नहीं है। चाहे तो कोई एक एक व्यक्ति जो बाहर है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। आपने चर्चा सुनी होगी हंसी मजाक में कि होटल मालिक ने भी सरकार बनाने का दावा पेश किया है। चलिए तो ये सारी बखूबी तो चलते रहेंगे, लेकिन चलते हैं अपने सहयोगी शाहनवाज के पास, चतरा से हमारे साथ खड़े हैं। शाहनवाज, बातें हो रही हैं कि रणनीति बदली होगी पार्टियों ने, जिस तरह से महाराष्ट्र के परिणाम, महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरह से चेंज हुआ, डेवलप हुआ, अब जो है खासकर बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी तो जरूर चेंज की होगी, क्योंकि अब एक नए तरीके से, और अब अगर पहले फेज की बात करें तो शायद अब वक्त खत्म हो चुका है, हाथ से निकल चुका है, क्योंकि अब कैंपेन सिर्फ डोर टू डोर ही हो पाएगा। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि जो बीजेपी से सीधा मुकाबला महागठबंधन के प्रत्याशी का है, राहत सिर्फ इस लिहाज से होगी उसके लिए कि आजसू यहां पर टक्कर देता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आरती, इस बात में कोई शक नहीं है। और कल जब अमित शाह की जो शहर में जब प्रोग्राम था तो उन्होंने सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन और तमाम विपक्षी खेमे को निशाना साधा, लेकिन उस पूरे भाषण के दौरान एक शब्द भी उन्होंने सुदेश महतो या आसू पार्टी के लिए नहीं कहा। इससे इस बात की गुंजाइश जरूर बनी रहती है कि पोस्ट पोल अलायंस की अगर जरूरत पड़ेगी तो ये स्थितियां जरूर रहती है कि हम बाद में मिल बैठकर बात करें। आपको पता होगा कि जो भाजपा के चुनाव प्रभारी है ओम माथुर, उन्होंने कहा कि भले ही बीजेपी हो या आसू, अलग अलग तरीके से चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रही है, लेकिन जो राजनीतिक शालीनता है वो बनी रहनी चाहिए। इस बात पर उनका बेहद जोर है, हमें इस तरह के कोई कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि जब बाद में चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बने कि हम मिल बैठ के बात करने की स्थिति हो तो उस वक्त बहुत ज्यादा कठोरता और बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदिता नहीं सामने आनी चाहिए, लिहाजा इस बात की गुंजाइश रखी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या चुनावी जो मैदान है वो बीजेपी या फिर महागठबंधन के प्रत्याशी मार पाते हैं कि नहीं। स्थानीय मुद्दों की बात कर ले आरती, तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दों की कमी नहीं है। हालांकि कल अमित शाह ने स्थानीय मुद्दों के साथ ही धारा 370 और बाबरी मस्जिद का विषय उठाया, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर ही लोग बात करना चाहते हैं। जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है और जो स्थानीय का मुद्दा, स्थानीयता का मुद्दा है, वो किस हद तक कौन सा फॉर्मूला काम आ पाता है और किस पार्टी के पक्ष में जाता है। फिलहाल आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो कल वोटिंग होनी है, 13 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने ये फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए तमाम तैयारियां की हैं, और जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर हेलीड्रॉपिंग कराई जा रही है मतदान कर्मियों को वहां तक पहुंचाने के लिए। और भी खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।